सर्दियां आ गई हैं और मार्केट में एक से बढ़कर एक सब्जी मिलने लगा है। तो आज ये हम बनाएंगे सेम की सब्जी, जो कि सर्दियों में ही मिलता है। सेम कई प्रकार के होते हैं। ये हरी वाली सेम है, तो इसका हम सब्जी बनाएंगे। इसके लिए हम लिए हैं सेम, टमाटर और आलू। तो इसका बहुत ही स्वादिष्ट मसालेदार सब्जी बनाएंगे सेम आलू टमाटर के। तो इस तरह से हम सेम को लेंगे और ये जो इसका ये किनारे का पार्ट है, इस तरह से करते हुए देखिए इसमें से जो रेशा निकलता है, इस तरह से इसके किनारों में इसे हम निकाल लेंगे और फिर इधर से हल्का सा चाकू से लगाकर इसके दोनों साइड का रेशा हम निकाल लेंगे। इस तरह से इसमें रेशा निकलता है, इसे हम निकाल कर हटा लेंगे और सेम को हम इस तरह से छोटा बड़ा जो भी साइज में आप बनाना चाहते हो बनाकर इस तरह से हम काट लेंगे इसे। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट बनती है सेम फली की सब्जी। तो इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट कर इसमें हम रख लेते हैं और इसी तरह से सारे सेम का इस तरह से देखिए इसका रेशा हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये हार्ड पार्ट होता है और ये रेशा निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सब्जी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से किनारों को हम निकाल लेंगे और सीम को हम छोटे बड़े जिस साइज़ में भी आप बनाना चाहते हैं बना लेंगे और इसी तरह से सारे सीम को हम काट लेंगे। सारे सेम को अच्छी तरह से हम इस तरह से काट लिए हैं और आलू का भी छिलका निकाल कर उसे भी इस तरह से काट लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और इसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिए हैं। चलिए अब चलते हैं इसे बनाने। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। सरसों के तेल में सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो आप सरसों के तेल में ही बनाएं। और अब इसमें हम डालेंगे साबुत जीरा। अब इसमें हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे। हींग से सब्जी का स्वाद अच्छा आता है और पचने में आसानी होता है। और अब इसमें हम सेम डाल देते हैं। और अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सेम को हम पहले भून लेंगे और अब इसमें हम डाल देते हैं आलू। आलू और सेम को हम साथ में ही भून लेंगे। इसे हम चला लेते हैं और 2 से 3 मिनट भूनने में लग जाएगा। सब्जियाँ हमारी भून गई हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन, जिसे हमने कूट लिया है, और इसे हम मिला लेते हैं। अदरक लहसुन डालकर थोड़ा देर भून लिए हैं और अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। मसाले में 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अब इसमें हम डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे हम मिला लेते हैं। तो मसाले डालकर अच्छी तरह से मिला लिए हैं। मसालों से खुशबू आने लगी है। चलिए अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं और इसे लो फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि मसाले और टमाटर वगैरह सब अच्छी तरह से सब्जी में मिल जाए। हाई फ्लेम पे करने से सब्जियां हमारी जल जाएगी और मसाले भी अच्छी तरह से नहीं भुनेंगे। तो गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा। सारे मसाले और टमाटर अच्छी तरह से मिल गए हैं और अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला और इसे मिला लेते हैं। सब्जियों से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी ही खा लूं, लेकिन अभी बनने में कुछ टाइम है। सब्जी बनने में 2 से 3 मिनट और लग जाएंगे। सारे मसाले डालकर अच्छी तरह से सब्जी को मिला लिए हैं
और अब इसे हम ढक देते हैं। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और इसे ढककर 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। ढक्कन हटाकर हम देख लेते हैं और इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल हो गई है। हमें आलू सेम की सूखी सब्जी ही बनानी है। अगर आपको ग्रेवी वाली बनानी है तो आप इसी जगह पे थोड़ा सा पानी डालकर और इसे ग्रेवी वाला बना सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। और अगर आपको सूखी सब्जी बनानी है तो सब्जी हमारी बिल्कुल हो गई है। ये देखिए आलू हमारी बिल्कुल ही कट रही है, तो सब्जी हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, आलू सेम की सूखी सब्जी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप सफ़र में भी इसे ले जा सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो तो इस तरह से आलू सेम की सूखी सब्जी बनाकर आप ले जा सकते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं ये धनिया की पत्ती। अब इसे हम मिला लेते हैं और ये हमारी आलू सेम की सब्जी बन के तैयार है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।